हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास टू मैथ्स वर्कशीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। क्योंकि बच्चा सेकंड क्लास में आ गया है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर ही है नंबर्स का। तो उसमें नंबर्स सिखाए जाते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं, विच इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर बच्चे को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। आंसर इन ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चे को बताना है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ आई, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इवन एंड ऑड। इसमें किस तरीके से करना है, जैसे कि ट्राइंगल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बच्चे को देखना है कि 7 जो है इवन है या ऑड है। आप बच्चे को बताएंगे कि क्या चीज़ इवन होती है और क्या ऑड होता है, तो बच्चा उसी हिसाब से यहाँ पर इन फिलअप्स में लिखेगा। इसी तरीके से ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बच्चा करेगा। नेक्स्ट हमारा है सॉल्व, ये एडिशन के सम्स हैं। डायरेक्टली आप अब फिंगर्स पे सॉल्व करना सिखाएंगे कि 5 in your head and 4 in your fingers, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 9 यहाँ आ जाएगा और ये 3 as it is आ जाएगा। बच्चे को आपको इस तरीके से सिखाना होगा क्योंकि बच्चा सेकंड क्लास में आ गया है। तो इस तरीके से ये आप सम्स बच्चे को सिखाएंगे। देन फाइंड द सम, ये नॉर्मल सम है, बस ये 3 digit हो गई है। यहाँ पर 2 की जगह 3 कॉलम्स में लिख लिया हमने, तो बच्चा ये आसानी से कर लेगा, एक बार उसको गाइड करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है सॉल्व, इसमें माइनस करना है। जिस तरीके से हमने बच्चे को 5 fingers लेकर उसको 5 in your head and 5 work करके बताया था, ऐसे ही हमें अब बच्चे को बताना है 5 in your fingers and 1, 2, 3, 4, 5 आप 5 माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं। नाउ फाइंड द आंसर्स, टेक 40 from 45। बच्चे को अब इस तरीके से सेंटेंसेस में, मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो बच्चे को क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो बच्चे को अलग से बताइए कि यहाँ पर 45 ऊपर आएगा और 40 नीचे आएगा, उसके बाद माइनस करके दिखाएं। देन 1 less than 35। बच्चे को लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है तो बच्चे के जो कॉम्प्लिकेशन, जो सब्जेक्ट में कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती चली जाती हैं, लैंग्वेजेस आने लगती हैं। तो हमें बच्चे को वो लैंग्वेजेस सिखानी है। हमारा जो मेन मकसद है इन वर्कशीट्स को करवाने का बच्चे का, वो ये है कि जो उसकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज पे पकड़ है, वो जो समझ पा रहा है या नहीं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। देखिए मैथ्स के ओलंपियाड वगैरह होता है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड के मेरे पास बुक्स हैं तो मैं उसमें से कराती हूँ बच्चों को, तो मुझे पता है इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें यही पूछा जाता है। और मैं जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए विच इज़ इनकरेक्ट वन, तो बच्चे को इनकरेक्ट का ही नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा। तो इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन वर्कशीट्स इस तरीके से बना रहे हो ताकि आपका बच्चा किसी भी जो ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करे तो उसमें बिल्कुल भी मात ना खाए। तो अब आगे देखिए 18 minus 18, तो आंसर क्या आएगा 32 में क्या माइनस करें, मतलब माइनस करें या प्लस करें कि 24 आए। ये मैंने एक्सरसाइज आज ही अपने बच्ची को कराई है, तो बहुत इंटरेस्ट होके उसने लिया है, बहुत इंटरेस्ट लेकर किया है, तो आप बच्चे को समझाए तो हो जाएगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग रोल, स्लाइड और बोथ। अब बच्चे को आपको ये बताना है जो क्यूब होता है वो किस तरीके का दिखता है, उसकी शेप्स बच्चे को सिखानी है, बतानी है, कोन्स, स्फेयर्स, क्यूबॉइड, और ये तक बताना है कि कौन सी चीज़ रोल हो सकती है, कौन सी स्लाइड हो सकती है और कौन से ये दोनों काम कर सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अ सर्किल हैज़ डैश साइड्स एंड कॉर्नर्स। सर्किल के कितने साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं, जब आप बच्चे को शेप्स सिखा रहे हैं तो साइड्स और कॉर्नर्स बच्चे को ज़रूर बताए जाते हैं कि एक क्यूब में कितने साइड्स हैं और कितने कॉर्नर्स हैं। सेम विद द केस विद रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड क्यूबॉइड, ठीक है, जब आप शेप सिखा रहे हैं तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, हमेशा बच्चे को बताएं कि जब मैथ्स में प्लेस वैल्यू हम करते हैं तो 1s, 10s, 100s ऐसे करते हैं, तो बस उसको जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इस तरीके से वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। नाउ द थर्ड वन इज़ द सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बच्चे को बताना है, अभी तक वो बच्चा आपका 100 तक करता आया है, अब अगर ये डिजिट बड़ी हो गई है तो बच्चे को आपको उसी तरीके से समझाना है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से समझाते हैं। नाउ सर्किल द बिगेस्ट नंबर, अब बिगेस्ट नंबर बच्चा देखेगा कि बिगेस्ट नंबर किस तरीके से वो समझा या है आपने और वो किस तरीके से कर पाएगा। कंप्लीट द पैटर्न, जैसे कि ई एफ जी एच आई जे देन के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से बच्चा कंप्लीट करेगा पैटर्न। नाउ 3, 6, 9, 12, 3, 2, ये 3 का टेबल है पूरा, इस तरीके से बी डी एफ, बी के बाद सी को स्किप किया है, एक एक स्किप करके, इस तरीके से जब आप पैटर्न सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा। कुछ मैंने शेप्स बनाई हैं, ये शेप्स के थ्रू आप पैटर्न बच्चे से करवा सकते हैं। फिर है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग, हमने रिपीटेड एडिशन
फर्स्ट क्लास में करवाया है बच्चों को, और उसकी वर्कशीट भी मैंने इससे पहले जो मैथ्स की वर्कशीट थी उसमें भी कराया है। तो ये रिपीटेड एडिशन ही है, ये रिपीटेड एडिशन के थ्रू बच्चा करेगा, इस तरीके से बच्चे को करवाया जाएगा, आप करवाएं। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर, देन हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, अ वीक इज़ मेड ऑफ हाउ मैनी डेज, ठीक है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, नेम द मंथ्स विद 31 डेज, जिसमें 31 डेज होते हैं जिस महीने में, उन महीनों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ राइट द अमाउंट, अमाउंट लिखना है हमें, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं और 5 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, क्योंकि डिवीज़न आ जाता है सेकेंड क्लास में, बच्चे को डिवाइड करना सिखा देते हैं, तो इसमें बस हमें डिवीज़न का जो है इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अभी मैंने बहुत सिंपल वर्कशीट बनाई है, क्योंकि बच्चे का अभी स्टार्टअप हुआ है, तो सिर्फ आपको बच्चे को बेसिक समझाना है, तो मैंने बेसिक ही वर्कशीट बनाई है। अभी मैं एक और वर्कशीट बनाऊंगी जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। उसके बाद है कन्वर्ट द फॉलोइंग, आपको ये कन्वर्ट करना है, 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, 1 kg को ग्राम में, और 1 cm को मीटर में। होप ये जो आपके लिए मैंने वर्कशीट बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप अपने बच्चे को करवा पाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।